हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आप देख ही रहे स्क्रीन पे, आज ये डिज़ाइन मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, सर आपका जो वीडियो है फ्रेंड, उसमें से अलग से साउंड नॉइज़ आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट करके आप वो पहले वाला जो वीडियो है आप देख लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोबारा से हम उस तरह का वीडियो नहीं बनाएंगे, हम एकदम अच्छी तरीके से बनाएंगे वो वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने दो कपड़ा लिया है इस जगह में, देखते रहिए, और साथ ही साथ उसका एक मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट का मतलब है जो डिज़ाइन आप लोगों ने देखा है वो जगह में, जैसे कि हम लूपिंग को घुमा घुमा के जब लगाते हैं उसी तरह करना पड़ता है। और ये जो बैक पार्ट है, सॉरी जो ब्लाउज जो पेटल स्लीव आप बना रहा है, तो इसमें कट करने का तरीका तो आप लोगों को शायद पता है, मैंने हमारा जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है किस तरीके से वो कट करना है। एक स्लीव दूसरे स्लीव के ऊपर ओवरलैपिंग होता है और ऊपर में एक सेंटर करना पड़ता है। वो सेंटर हम मार्क करेंगे, क्योंकि हम अगर स्लीव बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, अगर घूम जाए वो ना घूमे, इसलिए हम ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम सीधा रखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा सिस्टम है, इसे इसी तरह हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने से पहले हमारा दोनों जो स्लीव है वो हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, आप देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि हमने जो जगह में मार्क किया है वो जगह को हम जैसे कि एक्स्ट्रा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ हिस्सा है ओवरलैपिंग हो जाएगा, वो उसे छोड़ के हम इसी तरह दोनों लूपिंग को इसी तरह घुमा के इस तरह हम लगाएंगे और अंदर की ओर दे देंगे, बाद में उसे हम घुमा देंगे। तो घुमाने से क्या होगा, वो फिर से सीधा हो जाएगा। और इसे और भी अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगा उसमें। और एक के ऊपर एक इसी तरह इक्वल करके आप लोगों को लगाना पड़ेगा। और एक चीज फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो हम जब लगाते हैं सभी को इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अगर इक्वल हो, यानी कि एक दूसरे हम जब लगा रहा है वो दोनों में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने लगाया है और देखते रहिए। और ये पट्टी हम ऊपर में लगा रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा तो वो अच्छा दिखे, वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह घूम जाएगा, वो नीचे के हिस्से में चले जाएगा, वो एकदम ऊपर में वो दिखेगा इसी तरह, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे।
ये देखिए नीचे वाला ऐसे इसी तरह पक्का हो जाएगा। और दोनों स्लिप को मैंने कर लिया है और करने के बाद देखिए दोनों हम जुड़ेंगे, इसलिए मैंने वो जगह को नहीं लगाया है। क्यों लगाया हम अननेसेसरी वो जगह को, तो वो हमारा जो दोनों स्लिप का जो मिडिल वाला हिस्सा जैसे मैंने पहले बताया है वो हिस्सा अब करना पड़ेगा उसी तरह दोनों सेंटर को मिडिल का, जैसे मैंने पैटर्न स्लिप आप लोगों को सिखाया ना तो उसी तरह ही वो करना पड़ेगा। ठीक है फिर इसी तरह हमें करना है और उसके बाद आप साइड को स्टिचिंग कर देंगे हम वो हो जाएगा। और जैसे कि जो मिडिल वाला हिस्सा है आप लोग देख ही रहे हैं वो जगह में आप लोग सिलाई भी दे सकते हो उस जगह में, यानी कि दो पार्ट जिस जगह को मैंने जुड़ा है उस जगह को आप लोग सिलाई भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है ठीक है फ्रेंड, देखा तो जैसे कि वो जगह को जो मिडिल दोनों हिस्सा मैंने सिलाई नहीं दिया है, आप लोग चाहे उस जगह में सिलाई दे दीजिए, खुला रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में कुछ नहीं बोलना है और वीडियो को ज्यादा ज्यादा फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल को शेयर लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को भी शेयर लाइक जरूर करिएगा, आप लोगों को इसी तरह ही वीडियो मिलते रहेगा। तो आप लोग अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो आप लोगों को इसी तरह नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जैसे हमारे चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो। तो जल्दी से आप लोग जो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।